थे कल हम लोगों ने, क्या है, स्टेटस होल्डर्स के प्रोविजंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके एक तो क्या है, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स हैं जहां आप इंपोर्ट कर सकते हो गुड्स को विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो ड्यूटी एग्जेम्पशन के अंदर आपके एक तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन की स्कीम है और एक है आपके एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम। एक तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन की स्कीम है और एक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। रेमिशन स्कीम्स के अंदर क्या दे रखा है आपको, जो आपके रेमिशन की जो स्कीम्स है उसमें एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कस्टम्स के अंदर, ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक है। एक रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, RODTAP स्कीम है। उसके अलावा आपके आ रही है एक रेमिशन मिल रहा है आपको, रिबेट मिल रही है आपको ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, RSCTL ये स्कीम है। तो ये अभी अपन एक एक स्कीम है अब यहाँ पे क्या है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ड्यूटी एग्जेम्पशन और ड्यूटी रेमिशन स्कीम, सो स्कीम्स अंडर दिस चैप्टर बेसिकली एनेबल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स। आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो इनपुट्स का फॉर क्या, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ इनपुट या ड्यूटी रेमिशन, इंक्लूडिंग क्या, रिप्लेनिशमेंट ऑफ इनपुट या ड्यूटी रेमिशन। स्कीम्स क्या हो गई, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम क्या हो गई, एक तो हो गई एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम यानी अंडर कवर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन या इनपुट क्या कर सकते हो, आप प्रोक्योर कर सकते हो, इनपुट प्रोक्योर कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आपको माल बना के वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना है। एक है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFIA। फिर आती है हमारे पास क्या, ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स। ड्यूटी रेमिशन स्कीम यानी ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एक है स्कीम फॉर रिबेट ऑन स्टेट या सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, स्कीम फॉर रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की RSCTL। और उसके अलावा स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट, उस पर जो भी आपके ड्यूटीज और टैक्सेस लग रहे हैं उनकी आपको क्या मिल जाएगी, ड्यूटी क्रेडिट मिल जाएगा, स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। पहले आपके होती थी MEIS स्कीम होती थी, एक SEIS स्कीम होती थी, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स और एक सर्विस एक्सपोर्ट्स, ये अब नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, ड्यूटी ड्रॉबैक तो आप ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके हो, कहां पे, कस्टम्स के अंदर। तो देखिए, जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई है, ये स्कीम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुई है। और इंटेंशन गवर्नमेंट का क्या है, आपको रेमिशन देना, इंटेंशन क्या है, रेमिशन देना, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो हियर द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODTAP फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बेसिकली क्या है, जो भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं और उनके अंदर ड्यूटीज और टैक्सेस हैं, उसका आपको क्या मिल रहा है, रेमिशन मिल रहा है। क्योंकि फ्रेमवर्क ये है, ग्लोबल फ्रेमवर्क ये है कि गुड्स का एक्सपोर्ट होना चाहिए, टैक्सेस और जो लेवीज उसमें लग रही हैं उसका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो RODTAP स्कीम इज बेस्ड ऑन ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये है प्रिंसिपल कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड एंड टैक्सेस एंड लेवीज बॉर्न ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट
शुड आइदर या तो एग्जेम्प्ट किया जाए या रेमिट किया जाए टू द एक्सपोर्टर, जो भी टैक्सेस हैं ठीक है या लेवीज है बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट शुड आइदर बी एग्जेम्प्टेड या रेमिटेड टू द एक्सपोर्टर्स। दिस स्कीम बेसिकली प्रोवाइड फॉर रेमिशन ऑफ द अमाउंट इन फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। आपको क्या है, क्या मिल जाएगा एक्सपोर्ट्स करने पे, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाएगी और इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का यूटिलाइजेशन आप करोगे फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू रिफंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू रिफंड करेंटली अनरिफंडेड, करेंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड लेवीज एट सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल, ड्यूटीज टैक्सेस एंड लेवीज एट सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो भी अनरिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेस एंड लेवीज हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेज की हो या स्टेट लेवल की हो या लोकल लेवल की हो, विच इज बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रायर स्टेज क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज जो कि यूज किए गए हैं इन प्रोडक्शन ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, एंड सच इनडायरेक्ट जो ड्यूटीज है टैक्सेस है या लेवीज है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जो रिफंड नहीं हो पाए उसका क्या है आपको या एक तरह से रिफंड मिल जाए। तो इट सीक्स वॉट रिफंड टू द एक्सपोर्टर द एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट लोकल ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट इज सो फार नॉट बींग से रिबेटेड या रिफंडेड। अब यहां पे देखिए द ड्यूटी क्रेडिट इज इश्यूड, ये स्क्रिप्ट मिलती है इसमें, इन लियू ऑफ रेमिशन ऑफ एनी ड्यूटी या टैक्स या लेवी चार्जेबल ऑन एनी मटेरियल। ये ड्यूटी टैक्स या लेवी चार्जेबल ऑन एनी मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स या कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन सच गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, वेयर जो ड्यूटी टैक्स या लेवी है ये एग्जेम्प्ट नहीं है, रेमिट नहीं की गई है या क्रेडिट नहीं की गई है अंडर एनी अदर स्कीम। दूसरा है अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब यहां पे ये आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब यहां पे जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा जो नोटिफाइड गुड्स में, जो नोटिफाइड गुड्स में वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वैल्यू फॉर पर्पस ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होगी, एफओबी वैल्यू हो गया, एक्सपोर्ट्स की जो एफओबी वैल्यू आ रही है ठीक है, या 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी दोनों में से क्या हो, विच एवर इज लेस। जब सपोज कीजिए एफओबी वैल्यू आ रही है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू 25 लाख है और मार्केट प्राइस इन गुड्स की है 20 लाख, तो 25 लाख और 20 लाख है, 20 लाख का 1.5 टाइम्स कितना होता है 30 लाख हो गया, जो भी दोनों में से कम है यानी आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का एंटाइटलमेंट किसके बेसिस मिल जाएगा, 25 लाख के बेसिस पे मिल जाएगा।
ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का एंटाइटलमेंट 25 लाख के बेसिस पे मिल जाएगा। सपोज करो स्क्रिप का एंटाइटलमेंट है 5%, तो 5% आपको 25 लाख का मिल जाएगा। एक ही इसी केस के अंदर एफओबी वैल्यू आ रही है सपोज करो 35 लाख और मार्केट प्राइस आ रही है, और मार्केट प्राइस आ रही है 20 लाख, तो 20 लाख का 1.5 टाइम्स कितना हो गया 30 लाख हो गया, तो 30 लाख या 35 लाख विच इज लेस, अब यहाँ 30 लाख हो गया। तो अगेंस्ट ये नोटिफाइड गुड्स के केस में है, वैल्यू ऑफ द सेट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप विल बी अलाउड अंडर द स्कीम शैल बी डिक्लेयर्ड, जो डिक्लेयर्ड एक्सपोर्ट एफओबी वैल्यू है ऑफ द सेट गुड्स या 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द सेट गुड्स, क्या है जो भी दोनों में से क्या है कम है, ठीक है। अगेंस्ट क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट, अगेंस्ट क्लेम ऑफ ए ड्यूटी क्रेडिट अंडर स्कीम मेड बाय एन एक्सपोर्टर प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन एट आइटम लेवल इन द शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। तो यहां पे इस तरह से ये ड्यूटी क्रेडिट क्या है, स्क्रिप्ट इशू की जा रही है, ड्यूटी क्रेडिट इशू किया जा रहा है अगेंस्ट शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रेजेंटेड अंडर 50 विद ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन हैज बीन मेड या आफ्टर द क्लेम इज अलाउड बाय द कस्टम्स अपॉन नेसेसरी चेक्स इंक्लूडिंग से ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड आफ्टर से फाइलिंग द एक्सपोर्ट मैनिफेस्टो एक्सपोर्ट रिपोर्ट या इन अकॉर्डेंस विद व्हाट एनी रूल्स या रेगुलेशंस इन रिलेशन टू ड्यूटी क्रेडिट ई स्क्रिप और इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। So here basically is issued in these cases. Then refund in form of duty credits would be credited in the electronic credit ledger in the customs automated system. आपको क्या मिल जाएगा, ये ड्यूटी क्रेडिट आपको मिल जाएगा किसमें, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर मेंटेन्ड इन कस्टम्स, ठीक है। सच ड्यूटी क्रेडिट इसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी। ध्यान में रखिएगा, सच ड्यूटी क्रेडिट शैल बी यूज ओनली टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये किसके लिए यूज करोगे, आप बेसिक कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए यूज करोगे, यानी जो अदर ड्यूटीज हैं cannot be paid through credit ठीक है। और जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्रेडिट से, क्या है प्रीमियम पे आप दूसरे इंपोर्टर्स को क्या है ट्रांसफर कर सकते हो, एंड द रिबेट आपको तब अलाउ नहीं होगी जब वो ऑल जो ड्यूटीज और टैक्सेस इनकी रिबेट अलाउ नहीं होगी जिसका पहले ही आप क्या है रिबेट क्लेम कर चुके हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो या किसी मैनर में क्रेडिट क्लेम कर चुके हो। रिबेट अंडर द स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो कि ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, रेमिटेड है, क्रेडिटेड है। यहां पे ऑल एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल फॉर RODTEP एक्सपोर्ट आइटम्स, ऑल एक्सपोर्टर्स ऑफ एलिजिबल RODTEP एक्सपोर्ट आइटम्स आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। रिवॉर्ड किस तरह से मिल रहा है, रिबेट वुड बी ग्रांटेड टू द एलिजिबल एक्सपोर्टर्स एट नोटिफाइड रेट एज परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू, कैसे एज परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ द एलिजिबल एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट वेन एवर रिक्वायर्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स। हाउएवर फॉर सर्टेन एक्सपोर्ट आइटम्स अ फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट अमाउंट पर यूनिट मे ऑल्सो बी नोटिफाइड। या तो बेसिकली वैल्यू कैप रहेगी आपके परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू। So here rebate would be granted to the eligible exporters at a notified rate
ठीक है, ऑफ एफ बी वैल्यू विद वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ द एलिजिबल एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑन एक्सपोर्ट आइटम्स. हाउएवर फॉर सर्टेन एक्सपोर्ट आइटम्स अ फिक्स्ड क्वांटम ऑफ रिबेट अमाउंट पर यूनिट में बी ऑल्सो नोटिफाइड. रिबेट वुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रिबेट. ठीक है, तो उस समय ये डिपेंडेंट नहीं कि आप पैसा लेके आओ, परंतु अगर आपने ये पैसा टाइम लिमिट के अंदर नहीं लेके आ पाए जो कि फेमा में फिक्स किया गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि रिबेट आपको अलाउ नहीं हुई. सो हियर हाउएवर रिबेट विल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अलाउड इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सेल प्रोसीड्स विद इन व्हाट द टाइम अलाउड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है, देन क्या इन एलिजिबल सप्लाईज है, आइटम्स है, कैटेगरीज है अंडर आर ओ डी टी ई पी स्कीम, क्या इन एलिजिबल सप्लाईज है, आइटम्स है या कैटेगरीज है अंडर आर ओ डी टी ई पी स्कीम, तो ये देखिए, द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट, फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एंटाइटलमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट पढ़ जाइएगा, क्योंकि इन्होंने चार आइटम्स दे रखे होंगे, उनमें से कुछ इन एलिजिबल होंगे, कुछ एलिजिबल होंगे, और फिर आपको बोल रखा होगा कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का एंटाइटलमेंट निकालना है. तो पहली बात तो अगर कोई गुड्स अपन ने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो इन सेम फॉर्म या इन सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, वो एलिजिबल नहीं होंगे. तो एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द सेम या सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, वो एलिजिबल नहीं होंगे. एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द सेम या सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म. दूसरा हो गया क्या, एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया. तो देखिए, यूएसए माल चाइना जा रहा है थ्रू इंडिया, तो ये कहलाया जाता है एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट. एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया. फिर एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, या फिर क्या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट ड्यूटी. उसने लिख देगा गुड्स एक्स इट इज सब्जेक्ट टू 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी, और उसकी वैल्यू दे दी एफओबी वैल्यू. तो क्या आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का एंटाइटलमेंट मिलेगा, उस केस में नहीं मिलेगा. चौथा है प्रोडक्ट्स विच आर रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड अंडर द फॉरिन ट्रेड पॉलिसी. जिन प्रोडक्ट्स का रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाला हुआ है या प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला हुआ है, उसका अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, यू वोंट बी एंटाइटल टू टेक क्या द एंटाइटलमेंट अंडर आर ओ डी टी ई पी. फिर सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए यूनिट्स, अगर आपने डीटीए से एससीजेड या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन यूनिट्स को माल दिया है, सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए यूनिट्स टू एससीजेड या फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन यूनिट्स. प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं कहां पे, ईएसटीपी या बीटीपी के अंदर. गुड्स विच हैव बीन टेकन इन टू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, गुड्स विच हैव बीन से टेकन इन टू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, या एक्सपोर्ट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन इन आइस गेट ईडीआई हैज नॉट बीन जनरेटेड, या तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हैज नॉट बीन से जनरेटेड या एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ईडीआई पोर्ट्स. देन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 32/1997 ऑफ द कस्टम्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स एलिजिबल नहीं होंगे. कस्टम वेयरहाउसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैरी आउट की गई है, कस्टम वेयरहाउसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैरी आउट की गई है. प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली या होली, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पार्टली या होली इन अ वेयरहाउस अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, वहां एलिजिबिलिटी आपकी नहीं आएगी. देन गुड्स फॉर विच क्लेम ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड इन द शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट,
जिसके रिलेशन में आपने क्लेम फाइल नहीं किया है इन द शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम. देन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. भाई आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हो आप मैन्युफैक्चर करके अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन और इश्यूड अंडर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, वहां एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है. इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर दीज कैटेगरीज इन आरओडीटी स्कीम विल बी व्हाट डिसाइडेड लेटर. ये पॉइंट है. एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय और एक्सपोर्टेड बाय यूनिट, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय यूनिट एस लाइसेंस्ड यूनिट एज लाइसेंस 100% EOU इन टर्म्स ऑफ द FTP और बाय यूनिट्स सिचुएटेड इन फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और SEZ. तो ये बेसिकली क्या है, ये RODT स्कीम में ineligible है. तो कुल मिला के बात क्या हो गया, जो रिबेट्स हैं, ड्यूटीज है, टैक्सेस है, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो ड्यूटीज, टैक्सेस और लेवीज है सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे, जो कि माल बनाने में, एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं और जिनका आपको कई रिबेट नहीं मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए ये RODTEP स्कीम लागू की गई है. जो भी FOB वैल्यू ऑफ गुड्स है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको मिल जाएगा. नोटिफाइड गुड्स में ये कैप ध्यान रखिएगा, FOB वैल्यू या 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज लेस, उसके हिसाब से मिलेगा. ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं. आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. डिटरमाइन द ड्यूटी क्रेडिट अंडर RODTEP स्कीम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. रेट ऑफ क्रेडिट में बी टेकन टू बी 2.5%. देखो गुड्स एक्स है, नोटिफाइड गुड्स है, FOB वैल्यू आ रही है 15 लाख रुपए, मार्केट प्राइस है उसकी 9 लाख रुपए. ये कह रहे हैं आपको RODTEP निकालना है. तो कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट अंडर RODTEP, पहला है गुड्स एक्स, इसकी FOB वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 15 लाख रुपए, 15 लाख आ रही है. फिर अपने को देखना है और 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस, ये आ गया 9 लाख. तो 9 लाख का 1.5 टाइम्स हो गया कितना, 13.5 लाख हो गया. विच एवर इज लोअर, तो ये 13.5 लाख एलिजिबल हो जाएगा. या दूसरा देखो, FOB वैल्यू डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल गुड्स वाई है, FOB वैल्यू कितनी आ रही है शिपिंग बिल में, 12 लाख रुपए. मार्केट प्राइस है 10 लाख रुपए. दस लाख का 1.5 टाइम्स कितना हो गया 15 लाख. विच एवर इज लेस, तो ये हो गया आपके कितने 12 लाख रुपए. ये नोटिफाइड मानते हुए अपन कर रहे हैं. नेक्स्ट देखो, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये क्या रहेगी इनएलिजिबल रहेगी. ठीक है, और एक है अपने क्या, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी इनएलिजिबल है. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी क्या रहेंगे,
इनएलिजिबल रहेंगे। तो अब यहां पे देखो टोटल वैल्यू कितनी हो गई फॉर ड्यूटी क्रेडिट, 25,50,000 हो गई, 25,50,000 हो गई। और ड्यूटी क्रेडिट एंटाइटलमेंट कितना हो गया, एट रेट ऑफ 2.5% दे रखा है, एट रेट ऑफ 2.5%। तो 25,50,000 का 63,750 इस तरह से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो फंडामेंटली आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्या है रिमेंबर करने हैं, ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो है इनएलिजिबल सप्लाईज है, आइटम्स है या कैटेगरीज है जिनमें एलिजिबिलिटी नहीं आ रही। रिवॉर्ड के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में भी ये स्कीम एज इट इज है, तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। तो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के हिसाब से अपन ये डिस्कशन कर रहे थे, तो RODTEP स्कीम वाली अपना ये पूरा डिस्कशन क्या है पूरा हो गया है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट RODTEP स्कीम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिकॉज इसके आने के चांसेस पक्के हैं। इस बार मई में भी आ सकता है ये अभी, और नवंबर के एग्जाम में भी ये आ सकता है।